बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुरुग्राम की खबर से, जहां नोटबंदी के बाद करेंसी चेंज और डिपॉजिट को लेकर लोग खासे परेशान हैं। लोग भूखे प्यासे लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा की आर्थिक नगरी कहे जाने वाले गुरुग्राम में करेंसी चेंज व डिपॉजिट को लेकर मारामारी हो रही है। लोग भूखे प्यासे लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का अपना पैसा जमा करवाने व बदलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग छुट्टी लेकर पैसा बदलने में लगे हैं। वहीं महिलाओं को भी इस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं लंबी लंबी कतारों में खड़े होने से परेशानी झेल रहे लोगों की मदद के लिए सामाजिक संगठनों ने हाथ बढ़ाया है और लोगों को खाने पीने की सामग्री मुहैया करा रहे हैं। मोदी जी जो ने अभी 50 दिनों के अंदर जो समय मांगा है, उनकी उस मुहिम में हम सब लोग उनके सहायक उसके अंदर साथ हैं। जो लोगों की परेशानी है, लाइन में लगे हैं लोग, पूरा पूरा दिन उनका टाइम चला जाता है, भूखे प्यासे खड़े हैं, उनके उनके लिए जो पानी खाने पीने की व्यवस्था की कोशिश करके हम सहायता कर रहे हैं, ताकि मोदी जी के साथ इस मुहिम को उन जो इन्होंने अच्छा कदम उठाया है, भ्रष्टाचार इससे मिटेगा, क्राइम खत्म होगा, कम तो कम से कम काफ़ी तादाद में होगा, और उनकी ये मुहिम बहुत बढ़िया है, हम सराहनीय हैं, समाज उनके साथ है। मोदी जी के इस फैसले से जिनको भी परेशानी है, वो परेशानी तो थोड़ी बहुत आएगी, किसी बड़े काम को करने के लिए जब आदमी कदम उठाता है तो उसमें कुछ परेशानियां आती हैं। विपक्ष उनके खिलाफ है, हम चाहते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं वो उनके इसमें उनके समर्थन में होने चाहिए, ताकि उनके इस कदम से वो आगे भी इससे बढ़िया कदम ले सके। मोदी जी के इस फैसले से पूरा देश खुश है। मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि सफाई अभियान से पूरे देश में सफाई अभियान चला। वाल्मीकि मंदिर में जो मोदी ने जाके झाड़ू लगाई पचकुइयां दिल्ली मंदिर पे, और अब ये देश की काले धन की सफाई कर रहे हैं। तो मोदी जी के हम साथ हैं तन मन धन से, और पूरी सेवा करेंगे। जहाँ लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, चाय से, पानी से, बिस्कुट से, समाज पूरा मोदी जी का कदरदान है और पूरा देश कदरदान है, और अच्छे आदमी के लिए कदरदान होना चाहिए। लेकिन लोग कुछ परेशान हैं क्योंकि भीड़ है, लाइनों में लग रहे हैं लोग, पैसे नहीं मिल पा रहे, उसको कैसा देखते हैं लोग? देखो, एक घर बनाते हैं उसमें कितना समय लगता है। अगर एक हम पुराने घर को भी धूल मट्टी हटा के सफेद कराते हैं तो उसमें धूल मट्टी हो बैठा नहीं जाता, खाना नहीं खाया जाता, तो एक गंदगी हटाने के लिए बड़ा समय लगता है। और मोदी जी तो सिर्फ 50 दिन मांग रहे हैं, और देशवासियों को 50 दिन मोदी जी के साथ रहना चाहिए, और हम तो पूरी जिंदगी मोदी जी के साथ हैं, अच्छे इंसान के साथ होना चाहिए। जहां मोदी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इस फैसले की आलोचना कर रहा है और इस फैसले को जनविरोधी बता रहा है। लेकिन गुरुग्राम में सामाजिक संगठन मोदी के फैसले का समर्थन कर जनता से मोदी का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। योगेश कुमार, गुरुग्राम, समाचार एक्सप्रेस।